हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। अपन कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति भाग एक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले अपन संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना, इन सब विषय पर अपन ने अभी चर्चा की थी। आज अपन 2.3 भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान आपको मैंने बताया था पिछले लेसन में कि संविधान की जरूरत क्यों होती है, अगर और संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए जिसे सभी लोग इसको माने और उसके कानून का पालन करें। तो भारतीय संविधान का निर्माण, भारत जैसे आपको पता है एक विशाल देश है, यहाँ पर विविधता वाले भरे देश हैं और संविधान बनाना यहाँ आसान काम नहीं था। दक्षिण अफ्रीका की तरह, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था उसकी तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों में क्या हुआ, बना। और भारत जैसे विशाल और विविधता देश के लिए संविधान बनाना, जो भारत देश का संविधान है उसको बनाना बहुत आसान नहीं था, भारत में भारत के लोग गुलामी से निकलकर नागरिकों की हैसियत से जीवन पाने जा रहे थे। पहले संविधान बनने के पहले अपना देश कैसा था, अंग्रेजों ने अपन को क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था। फिर अपना जो संविधान है वो आज़ादी के बाद बना, तो देश में धर्म के आधार पर जो देश था अपना, जब अपन आज़ाद हुए तो जो देश था उसका बंटवारा दो धर्म के आधार पर, मतलब देश धर्म के आधार पर क्या हो गया, बंटवारे की ओर उसका बंटवारा हो गया। एक हो गया भारत और दूसरा हो गया क्या, हो गया दूसरा पाकिस्तान। तो अपना देश दो भागों में क्या हो गया, बट गया। बंटवारे की विविधता को झेला भारत और पाकिस्तान, लोगों के लिए एक बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो यहाँ पर जो बंटवारा होने से यहाँ पर क्या हुई, भारी मतलब बहुत नुकसान हुआ और लोगों के मन में दहशत फैल गई कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद जो मतलब लोग को सामान्य होने में क्या लगा, बहुत समय लगा। और भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंटवारे भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। फिर विभाजन से जुड़ी कई सीमाएं थी जिसको दोनों तरफ से कम विभाजन हुआ तो कम से कम कितने लोग, यहाँ पर विभाजन से जुड़ी जो सीमाएं थी वहाँ पर एक तरफ से कम 10 लाख से भी ज्यादा लोग क्या हुए, मारे गए। एक यह भी एक क्या थी, बड़ी समस्या। जब विभाजन हुआ तो यहाँ पर 10 लाख से लोग ज्यादा लोग भी क्या हुए, मारे गए। यहाँ की समस्या, यहाँ यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। अंग्रेजों ने देशी शासकों को यह आजादी दी थी कि भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छा से सियासत का विलय कर ले। जब अपन अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुए तो भारत और पाकिस्तान दोनों दो अलग अलग देश विभाजित हो गए, तो उन्होंने अंग्रेजों से ये कहा कि आप अपनी इच्छा से कोई भी सियासत में क्या कर सकते हैं, विलय, मतलब कोई भी सियासत को क्या करें, विलय करें। इस सियासत का विलय मुश्किल और अनिश्चितता भरा था। तो जो यहाँ की सियासत थी वहाँ पर जो कैसा था वहाँ की सियासत मतलब शासन करना, वहाँ पर एक कैसा माहौल था, वहाँ का अनिश्चितता भरा, क्या करें क्या ना करें। तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था, जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, बहुत बिगड़ी हुई थी। फिर है, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य सुरक्षित और चैन भरा नहीं था, तभी विभाजन हुआ था। लेकिन जब अपना भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो अपना ना तो अपने देश का भविष्य सुरक्षित था और
अपना मतलब सुरक्षित भी नहीं था, अमन चैन भी नहीं था जितना आज अपने अपना सुरक्षित है और अमन चैन है। संविधान निर्माताओं को देश के भविष्य की क्या थी, चिंता थी। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनको संविधान मतलब कि देश की चिंता थी कि आने वाले समय में भारत में कैसी व्यवस्था मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है और कई सारी जो अधिकार हैं लोगों के, जनता के, वो कैसे होंगे। सारी मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। जो सारी मुश्किल इतनी मुश्किलें थी कि भारत में अमन चैन नहीं था, मुश्किलें थी, अव्यवस्थाएं थी, उसके बाद सारी मुश्किलों के बाद भी भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान है उसके बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था वो तो आपको पता ही है, उसमें कितने संघर्ष के बाद वो संविधान मतलब नेल्सन मंडेला ने उसको बनाया और पारित किया। बड़ा लाभ यह था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में सारी सहमति बनानी पड़ी, तो दक्षिण अफ्रीका का जो मतलब संविधान था उसके दौर में ही सारी सहमति बनानी पड़ी। वैसी स्थिति दक्षिण अफ्रीका में थी, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। तब जो भारत वहां पे तो बहुत दक्षिण अफ्रीका जब संविधान लिखा गया तो वहां पर नेल्सन मंडेला ने बहुत आंदोलन किया, उनको जेल में डाल दिया, उसके बाद इतनी मुसीबत के बाद उनका जो संविधान बना और उन्होंने एक नए गणराज्य की स्थापना की थी। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद मतलब अपनी स्थिति ऐसी है कि अपन स्वतंत्र थे और अपन संविधान बनाने के लिए भी क्या है, स्वतंत्र थे। उस समय भारत में नहीं थी, भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समय मतलब जो भारत की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उसमें लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बन चुकी थी। तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है उसमें सभी लोग जो अधिकांश जो नियम थे, जो बुनियादी बातें थी उनकी सहमति राष्ट्रीय सहमति मतलब जो राष्ट्र के जो जिन्होंने संविधान लिखा, आठ ऐसे नेता थे जिन्होंने मिलकर ये भारतीय संविधान को बनाया और अपनी उस राष्ट्रीय संविधान को बनाने के लिए उनकी सहमति क्या हो गई, बन चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और आठ अन्य नेताओं ने मिलकर जो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू और अन्य आठ जो नेता थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू और एस वी मुखर्जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसे अन्य आठ जो नेताओं थे उन्होंने मिलकर संविधान मतलब जो उन्होंने मिलकर क्या किया, संविधान लिखा। कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य आठ नेताओं ने मिलकर संविधान लिखा। 1931 में कराची एक भारतीय राष्ट्रीय मतलब कराची में एक भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जहाँ पर अधिवेशन हुआ, जहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें संविधान की रूपरेखा रखी गई और आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा वहाँ पर इस पर चर्चा हुई। तो कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था और इस अधिवेशन की रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, भारत के संविधान में क्या क्या होगा, भारत के संविधान में ये भी मतलब ये निर्णय लिए गए कि भारत के संविधान में क्या क्या होगा। तो सार्वभौमिक होगा सबके लिए, सार्वभौमिक मतलब सबके लिए होगा, उसमें वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार और
अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या थे, भी क्या थी, मतलब अल्पसंख्यकों को भी क्या करा था, उन्हें सुरक्षित रखा था। ऐसे ही औपनिवेशिक शासन की राजनीति संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने की नई बात में राजनीतिक स्वरूप को समझने के लिए इन लोगों को क्या मिली, मदद मिली। 1937 के बाद, मतलब यहाँ पर एक 1937 में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। तो यहाँ जब अंग्रेजों की हुकूमत कम लोगों को वोट का अधिकार था, जहाँ यहाँ पर भारत में कैसा, जब अंग्रेज लोग शासन करते थे तो यहाँ पर मताधिकार, मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं था। और यह अधिकार अंग्रेजों ने जिस प्रकार विधायिका का, इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमजोर थी। अंग्रेजों ने एक विधायक की, मतलब एक दल बनाया, एक विधायिका तैयार की, जो कैसी थी वो बिल्कुल मजबूत नहीं थी। वहाँ पे वोट का अधिकार कैसा था, अंग्रेजों की विधायिका का गठन कैसा था, बहुत कमजोर था। 1937 के बाद यहाँ पर चुनाव कराए, 1937 में यहाँ पर क्या कराए गए, असेंबली में एक चुनाव कराए गए, जिसमें बनी सरकार पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं थी। इसी भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्थाओं से लगभग जैसा का तैसा, मतलब जो वहाँ की लोक, मतलब वहाँ चुनाव तो हुए पर उन्होंने क्या हुआ, सरकार भी बनी पर वह पूर्णतः क्या थी, लोकतांत्रिक नहीं थी। इस कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था के, जो कि पुरानी व्यवस्थाएं थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उनको लगभग जैसा का तैसा, मतलब जस का तस का मतलब होता है जैसा का तैसा, मतलब उनको क्या करना पड़ा, अपनाना, मतलब उनको रखना पड़ा, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। तो जहाँ जब यहाँ पर 1935 का जो कानून था, वैसे 1935 में जो कानून बना था वो 1937 में भी वैसा ही उनको, तो वो 1937 का कानून किसने बनाया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, भारत को स्वतंत्रता वर्षों में से पहले चिंतन और बहस के कारण काफी लाभ पहुंचा, और इसको लाभ पहुंचने पर उन्होंने नेताओं को इतना आत्मसम्मान आ गया कि जो संविधान था, आत्मसम्मान आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव की अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में, जो पुराना, मतलब भारत के बाहर, जैसे कि मान लो ब्रिटिश सरकार का, अमेरिका का, इन सब का जो संविधान था, है फ्रांसीसी क्रांतिकारी के आदेशों, आदर्शों, ब्रिटेन की संसदीय लोकतांत्रिक, अमेरिका के अधिकारों की सूची, काफी प्रभाव, मतलब यहाँ के लोग क्या हुए, उससे काफी प्रभावित हुए और अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। यहाँ पर सामाजिक आर्थिक समानता और पर आधारित व्यवस्था बनाने के लिए भी क्या करने लगे, लोग कल्पना करने लगे। लेकिन दूसरे चरणों में बनाने के लिए क्या करने लगे, काफी हद तक इसको भारतीय, इससे क्या हुए, प्रभावित हुए, आर्थिक समानता पर आधार पर व्यवस्थाओं की क्या करने लगे, कल्पना करने लगे। और हर कदम पर वे एक सब जरूर, मतलब जब भी कोई नया काम करते तो ये जरूर सवाल पूछते कि क्या भारत के लिए उपयुक्त होगा, ये सभी चीजें हमारे संविधान के निर्माण के लिए भी क्या होंगी, मदद करेंगी। धन्यवाद दोस्तों।